स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा और जो रेलवे के सभी एजेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप जब भी किसी कस्टमर का ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो उसमें कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालेंगे। तो बहुत से रेल यात्री इसको मतलब लापरवाही मान रहे थे, बोलते थे ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड अभी फिर से एक नई अपडेट आ गई है कि अगर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो PNR सीज होने के पूरी तरह से चांस रहेंगे। अब आपको दोस्तों डाउट होता होगा कि रेलवे आखिर डिटेक्ट कैसे करेगी ये रियलिटी में कस्टमर का नंबर है। तो फ्रेंड कस्टमर का नंबर आप डालें या ना डालें, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि कस्टमर का नंबर ही डालें। बट दोस्तों जिस पोर्टल से आप यूज कर रहे हैं, चाहे ट्रैवल यूनियन, चाहे पे नियर बाई, चाहे पे पॉइंट XYZ, जिस पोर्टल में आपने IRCTC की एजेंट ID ली हुई है उसमें दोस्तों अपना नंबर आप भूल कर भी मत डालिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरा पैसा नहीं देते तो हम अपना नंबर डाल देते हैं। हम अपना नंबर इसलिए डालते हैं कि हमें ऐसा लगता है चलो कल को अगर ये पैसा देने में ऊपर नीचे करेगा तो हम टिकट कैंसिल मार देंगे, और हम अपना नंबर डाल देंगे तो हमारे नंबर पर OTP आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एजेंट करते हैं। तो सभी एजेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, अब जिन लोगों का भी ट्रेन टिकट आप बुक करें, या तो ऐसे लोगों का ट्रेन टिकट बुक करें जिसका पैसा आपको इंस्टेंट मिल जा रहा है, या तो ऐसे लोगों का आप ट्रेन टिकट बुक करें जो मतलब पैसा आपको फंसाएंगे नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रख। PNR सीज होने की दोस्तों समस्या आ रही है, इसलिए आपसे वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे तो PNR सीज हो सकता है। और दोस्तों जब PNR सीज होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रेलवे उस टिकट का 1 भी रुपये रिफंड नहीं देगी और आपको अपनी तरफ से कस्टमर को अपने जेब से देना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। छोटी छोटी गलतियाँ दोस्तों कभी कभी भारी भारी नुकसान कर देती हैं रेल एजेंट के लिए, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और दोस्तों बहुत से रेल यात्रियों मन में ख्याल आता होगा आखिर रेलवे ऐसा करवा क्यों रही है, आखिर टिकट प्रिंटिंग में नंबर तो रहता नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बार ट्रेन का टाइम टेबल चेंज होता है, ट्रेन डिले होती है, XYZ ट्रेन में बहुत सारी जो ऊपर नीचे जो रेलवे मैसेज के थ्रू लोगों यात्रियों तक पहुँचाती है वो इसलिए दोस्तों मैसेज कर रही है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो यात्रियों के पास अगर यात्री का नंबर रजिस्टर रहेगा तो इसी तरीके से हम मैसेज भेजेंगे, यात्रियों को समझ में आ जाएगा। कई बार दोस्तों दूसरे का नंबर डाल देते हैं, यात्री तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, इसलिए दोस्तों रेलवे ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो आशा करता हूं वीडियो देखने के बाद आने वाले कल में इसके बाद जितने भी रेल एजेंट हमारे सूरत बॉय कृष्णा चैनल से जुड़े हुए हैं और जब भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो ये गलती भूल से भी नहीं करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।